atmospheric pressure is equal to that of column of water of height h, depth of the lake is what? प्रेशर की वैल्यू अगर हम h डिस्टेंस नीचे आ जाएं तो प्रेशर की वैल्यू इज h rho g, p इज इक्वल टू h rho g. तो व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस इज व्हाट? क्या लगाएंगे इसमें? काट कहां से करेंगे? सरफेस के ऊपर P1 V1 और सरफेस के नीचे P2 V2 इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम. तो इसमें मैंने क्या किया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बबल पहले नीचे था, जब नीचे था तो रेडियस R है, जब ऊपर आ गया सरफेस पे तो रेडियस कितना हो गया? 2R हो गया. तो जब नीचे था तो वॉल्यूम कितना था? 4πR³. और जब प्रेशर की वैल्यू कितनी थी? सपोज P1. जब ऊपर आ गया तो प्रेशर की वैल्यू लेट से P2 और वॉल्यूम की वैल्यू 4π³. प्रेशर क्या होता है? H rho g. तो मान लो P1 की वैल्यू इज समथिंग रिलेटेड टू H rho g, या P1 को P1 रहने दो और यहाँ पर H rho g, rho g पुट करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर इज सम H सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम या जो भी लेना ले लेना. तो यहाँ पर H की फॉर्म में प्रेशर आ गया. हाँ, नो डाउट इसमें rho into g भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर हाइट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन कैसे? 8H into rho into g. तो प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कितना आ गया? P1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8H. ठीक. अब मुझे क्या निकालना है कि जो डेप्थ ऑफ द लेक निकालनी है, कि डेप्थ ऑफ द लेक क्या होगी इस केस में. तो आपको प्रेशर कितना गिवन है, मतलब जब आपका एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर भी नहीं आया, मैं ये नहीं कहूंगा सरफेस के ऊपर आ गया, मैं ये कहूंगा कि जब इसका रेडियस 2R हो गया तो इसका जो प्रेशर है वो H की फॉर्म में था, मतलब एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर नहीं आया. अगर ऊपर आ जाता तो H को एकदम क्या हो जाता? 0. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, H डिस्टेंस पे होगा. तो H डिस्टेंस पे यहाँ पर जो प्रेशर है वो H की फॉर्म में H है, और इस पॉइंट पर जो हमने प्रेशर निकाला वो कितना आ गया? 8H आ गया. तो यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 7H. मतलब एग्जैक्टली वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? 7H. ये पॉइंट सबको समझ आया कि नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है, जैसे मैंने स्टेटमेंट दी थी कि पानी के नीचे बबल है और वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ गया. अगर वो सरफेस के ऊपर ही आ गया तो फिर वाटर की वजह से इसका कोई प्रेशर नहीं है. जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि किसी पॉइंट से बबल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आया, पहले पॉइंट पर प्रेशर एच की टर्म में एच गिवन है, दूसरे पॉइंट पर हमने निकाल लिया, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, जो कि इस केस में 7H. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. A body of density, ये शायद हमने कर लिया था. टू, ये भी हमने कर लिया था. 200 bubbles of different radii are connected by a tube. एक बड़ा बबल, एक छोटा टब जो बबल. तो मैंने आपको बताया था कि जो जिसमें प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा और प्रेशर बबल के अंदर होता है 40 by R. R छोटा, R की वैल्यू छोटे बबल की स्मॉल है तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है. तो हमने डिस्कस किया था थ्योरी के अंदर कि जो एयर ब्लो करेगी फ्रॉम स्मॉलर बबल टू बिगर बबल करेगी.
blowing a bubble of radius r from a soap solution, then work done in blowing a bubble of radius 2r from the soap solution is what? मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया था ऐसा रादर कि सरफेस एनर्जी पी इज वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया. फर्स्ट केस में इंक्रीज इन एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0. बबल फुलाना है तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर करना है ना. तो W की वैल्यू आपके पास आ गई टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. केस नंबर 2 में सरफेस एनर्जी सेम रहेगी, वर्क डन W डैश हो जाएगा और एरिया 4 पाई 2 आर का स्क्वायर माइनस 0. तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को W और W डैश को डिवाइड कर लेना कितना आ रहा है 4 का फैक्टर है. वैसे भी एरिया में 4 का फैक्टर आना ही चाहिए. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं फिर. वाटर राइजेस इन अ वर्टिकल ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री वाटर कॉलम विल बी इक्वल टू व्हाट. ऐसा भी किया था कैपिलरी ट्यूब को जब टेढ़ा करते हैं तो क्या होगा. कॉस वाला कॉन्सेप्ट लगाने कैपिलरी ट्यूब सीधी है तो पानी की हाइट 8 है, 45 डिग्री बेंड कर दी तो वाटर की हाइट कितनी हो गई, एल हो गई. मैंने याद है ट्यूब बनाई थी एल डिस्टेंस नीचे, मैंने बताया था कि कॉस थीटा कॉस ऑफ 45 लगा लेना यहाँ पर. कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई एल. यहाँ से यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ पॉइंट. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है
energy of radius A combined to form a bigger drop of radius B. Assume that energy released in the process is converted into kinetic energy of a drop. मैंने डिस्कस किया था केस, अगर ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक बड़े ड्रॉप को मिलेगी, बड़ा ड्रॉप मूव करेगा. तो सबसे पहले एनर्जी कितनी रिलीज होगी, सिग्मा का मतलब सरफेस टेंशन है इसमें, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन. तो एनर्जी रिलीज या वर्क डन क्या होता है, सरफेस एनर्जी इंटू चेंज इन एरिया. चेंज इन एरिया पहले एरिया कितना है, एन इंटू फोर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि बबल का रेडियस सॉरी ड्रॉप का रेडियस ए है. फिर ड्रॉप का रेडियस कितना हो गया, बी हो गया. तो ड्रॉप पर पहले सरफेस एरिया कितना है, एन इंटू फोर बाय ए स्क्वायर, और बाद में कितना है, फोर बाय बी स्क्वायर. तो दिस इज चेंज इन एरिया. और वॉल्यूम मैंने इनको कंबाइन कर लिया, एन की मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक. एन का रिलेशन तो मेरे को चाहिए ना, कितने ड्रॉप्स हैं. तो एन की वैल्यू मैंने यहाँ कंबाइन कर ली. अब एनर्जी रिलीज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं चाहूं तो इस एन की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एन तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, ठीक है. यहाँ तक ये पहला स्टेप समझ आ गया ना सबको कैसे किए. तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई, मैंने एन की वैल्यू पुट कर ली है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसमें से 4 बाई बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये एनर्जी रिलीज हो गई. अब ये एनर्जी रिलीज बड़े ड्रॉप को मिलेगी और बड़ा ड्रॉप मूव करेगा, बड़ा ड्रॉप मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर. मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बड़ा ड्रॉप. बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 4 बाई 3 बाई बी क्यू बी रेडियस. इनटू डेंसिटी कितनी है, रो. बड़े ड्रॉप की डेंसिटी रो है. और सिग्मा का मतलब सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी. ये स्टेप सबको समझ आ गया यहाँ तक, बस खत्म. इक्वेट कर लो यहाँ से, वी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन मार्क कर लेना. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि एनर्जी रिलीज निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन, और फिर जो भी एनर्जी रिलीज होगी बड़े ड्रॉप की को दे देनी है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक, एनी डाउट? नेक्स्ट स्टेप. An incompressible liquid travels as shown in a figure. Speed of the fluid in a lower branch will be equal to what? आपको ये बताना है इसमें lower branch में speed v की value कितनी है. एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू यहां पर और यहां पर, एरिया इनटू वेलोसिटी प्लस एरिया इनटू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो मेन ब्रांच में आ रहा है वो दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा. ऐड कर दिया, हो जाएगा सॉल्व यहां तक. तो एरियाज आपको ये भी पता है, 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 आपको सिर्फ वेलोसिटी वी नहीं पता. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट देखते हैं फिर. कॉपर बॉल है, रेडियस आर है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, नमस्टर्ड ऑयल. द ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल इज एफ. ड्रैगिंग फोर्स एफ ऊपर की तरफ, 6 पाई ईटा आर वी. ड्रैगिंग फोर्स ऑन द कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 वी इज व्हाट. इसमें क्या है कि करना ही कुछ नहीं है, इसमें ड्रैगिंग फोर्स का फॉर्मूला बता रहा हूं ना, 6 पाई ईटा आर वी. आपको आर को डबल करना है और वी को भी डबल करना है, तो वैसे आंसर 4 टाइम आ जाएगा. ठीक, इसका आंसर क्या होगा,
वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड डिवाइड होगा, और लेंथ की फॉर्म में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला ही पॉइसन फॉर्मूला है, पाई बाई एट पी आर फोर अपॉन ईटा एल। और प्रेशर डिफरेंस पैरेलल में क्या रहता है, सेम, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ऐसे इसमें प्रेशर डिफरेंस सेम है। तो इसमें आपको क्या करना है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड एल लेंथ में, एल वन लेंथ में, एल टू लेंथ में निकाल लें, ठीक है। सरफेस ऑफ लिक्विड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से राइज कर रही है, ऊपर जा रही है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन अ राइजिंग बॉल इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉल बाय अ फैक्टर ऑफ 1। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ड्रैग, जो फ्रिक्शन या फिजिकल प्लस फ्रिक्शनल फोर्स है, ऑपोजिट फोर्स है, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। बॉल अगर ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगी, नीचे। और कौन सी फोर्स नीचे लगेगी, वेट। ऊपर बॉल लेके जा रहा है, अप थ्रस्ट, ठीक। तो इसमें ये डायग्राम बन गया, तो ये आपका नहीं, गलत है डायग्राम, इसमें ऐसे होना चाहिए, सिर्फ जो वेट है, हाँ ठीक है, वेट की वैल्यू नीचे है, सही है। फ्रिक्शनल फोर्स एफ नीचे है, क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो ऊपर कौन लेके जा रहा है, अप थ्रस्ट। वेट की जगह जीरो जी, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, एफ को एफ रहने दो। और लास्ट जो लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की, वो 4 टाइम ज्यादा है, और अगर वो 4 टाइम ज्यादा है तो लिक्विड की डेंसिटी या लिक्विड का वेट डिस्प्लेस्ड या फिर अपथ्रस्ट एक ही बात है, तो v इंटू रो इंटू जी, नहीं, v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, 4 रो इंटू जी, f आ गया, f की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वी रो जी, और वी रो जी का मतलब वेट होता है mg। और आपको फ्रैक्शन पूछी है, रेशियो पूछी है कि फ्रिक्शनल फोर्स और वेट की क्या रेशियो है, टीट रेशियो है, ठीक है। यहाँ तक तो वो डायग्राम गलत था, ये डायग्राम बिल्कुल सही है, ये समझ आ रहा है यहाँ तक क्या करना है, बस ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स को इक्वेट करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, जिसको टर्मिनल तो नहीं बोलेंगे इस केस में, बट चलो फिर भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से सिस्टम मूव करते हैं। फिगर शोज टू होल्स इन अ वाइट टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड कॉलम। The water streams coming out of these holes strike the ground at the same point. एक ही point पर hit कर रहे हैं। Height of the liquid column and tank is what? Liquid की height निकालनी है, कितनी होगी? तो इसमें सबसे पहले अगर फर्स्ट होल की बात करें और सेकंड होल की बात करें, तो क्या इनका सेम है, रेंज सेम है,
रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 × √H × H′ होल के ऊपर की हाइट होल के नीचे की हाइट। तो अगर फर्स्ट होल की बात करते हो तो इसके ऊपर की हाइट 4 है तो नीचे की हाइट कितनी है, H − 4 है। तो रेंज का फॉर्मूला 2 × √4 × H − 4। ऐसी सेकेंड होल के लिए 2 × √6 H − 6 कितना रहे? सेंटर से कर सकते हैं, आंसर सेम 10 ही आ रहा है वैसे, मुझे मालूम नहीं, इसका चेक कर लो। पर ये रेंज वाला फॉर्मूला भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। रेंज इक्वल कर लोगे, अंडर रूट सेंटर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट देखें, तीन कैपिलरीज हैं L, L/2, L/3 सीरीज में, रेडियस R, R/2, R/3 है सीरीज में। सुनते ही सबसे पहली चीज, और लेंथ गिवन है तो पॉइसन फॉर्मूला। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड हर ट्यूब में क्या रहेगी, सेम रहेगी, पर प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। पहली ट्यूब में अगर P1 है, सेकंड में P2 है, तो थर्ड में P3 है, और टोटल प्रेशर P = P1 + P2 + P3 है। तीन ट्यूब सीरीज में आपको बस ये बताना है कि अगर टोटल प्रेशर फर्स्ट के अक्रॉस P है, पहली ट्यूब के अक्रॉस, तो दूसरी ट्यूब के अक्रॉस क्या होगा, तीसरी ट्यूब के अक्रॉस क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। पॉइसन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को क्या कर देना है, सेम, π/8 कैंसिल हो गया, π/8 P1 R4 / ηL। दूसरी ट्यूब का लेंथ कितना है, L/2, और रेडियस कितना है, R/2। इक्वेट कर दिया, P2 और P1 में रिलेशन आ गया, P2 = कितने टाइम्स, P1 × 8। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ट्यूब के अक्रॉस जो प्रेशर P1 है उसकी वैल्यू P लेनी है, तो सेकंड ट्यूब का प्रेशर कितना हो गया, P2 = 8 × P। ये रिलेशन बताना है कि सेकंड ट्यूब में प्रेशर और फर्स्ट ट्यूब में प्रेशर का रिलेशन क्या है। वैसे तो और भी ऑप्शन है इसमें कि थर्ड ट्यूब का प्रेशर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, अब थर्ड ट्यूब का भी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सेम कर लो। अब चेक कर लो कि P की फॉर्म में थर्ड ट्यूब में क्या आंसर आएगा, जो कि मैच नहीं करेगा इसमें। बट द पॉइंट इज कि ये चीज क्लियर है कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड आपने क्या करना है ऐसे केस में, सेम करना है। देखो मार्बल है जिसका मास एक्स है, डायमीटर 2R है, इज जेंटली रिलीज्ड इन अ टॉल सिलेंडर कंटेनिंग हनी। इफ द मार्बल डिस्प्लेसेस मास वाई ऑफ द लिक्विड व्हिच इज लेस देन एक्स, देन टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वाई। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो ये, एक्स मास है, मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना लेना है, 4/3πr³। डेंसिटी की वैल्यू रो है पहले केस में, तो इसका मतलब जो डेंसिटी है उसका रिलेशन क्या आ गया, x/r³ अप्रोक्सीमेटली। ऐसी सेकंड केस में जो सेकंड डेंसिटी है, सेकंड डेंसिटी का मतलब है जो वाटर की डेंसिटी, हनी की जो डेंसिटी के बने जो भी है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, y/r³। वो क्यों, क्योंकि जो हनी डिस्प्लेस हुआ उसका, उसकी वैल्यू कितनी है, y, ठीक। एक हमने डेंसिटी बॉडी की निकाल ली, एक हमने हनी की निकाल ली, इन टर्म्स ऑफ मासेस x एंड y। इस रिलेशन को जरा ऊपर पुट करोगे, r² तो टर्मिनल वेलोसिटी में ऑलरेडी चल ही रहे, एक r² चल रहा है, एक r³ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो r³ से एक r² कैंसिल हो जाएगा,
اگر جب آپ ایکس اور وائی کی اپروکسیمیٹ ویلیو یہاں پر پٹ کرو گے، سوری ڈینسٹیز کی ویلیوز پٹ کرو گے یہاں پر، یہاں پر اور یہاں پر، تو آر کیوب سے آپ کینسل ہو جائے گا، تو بچے گا کیا؟ ویسے بھی سالو تھوڑا نا کرنا ہے، تو ویسے بھی کلیئر ہی ہے کہ ڈینسٹی کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں، اس کی جگہ ہم ایکس لکھ سکتے ہیں، اس کی جگہ ہم وائی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا یہاں تک؟ اور آر کیوب تو آلریڈی کلیئر ہی ہے، آر کیوب سے آر اسکوائر کینسل ہو جائے گا، تو ایکس مائنس وائی ڈیوائڈیڈ بائی آر آ جائے گا. ٹیبل آف ہائٹ ایچ، ایک ہول پنچ کر دیا بالکل بیس پہ، تو کچھ ایسے ہو گیا کہ اگر یہ سلینڈر ہے اور یہ ایچ ہائٹ پر پڑا ہوا ہے، ایچ ہائٹ ہے، اگر یہ ہول ہے جو کہ میں نے یہاں پر کر دیا جس سے کہ وی ویلوسٹی سے واٹر باہر نکلا، تو آپ کو بتانا ہے کہ ڈیپتھ آف دی واٹر یا سلینڈر از واٹ، تو آپ کو یہ ڈیپتھ بتانی ہے کتنی ہوگی لیٹ سے ایچ، تو واٹر باہر نکل رہا ہے ود ویلوسٹی آف انڈر روٹ آف ٹو جی ایچ، اور کیونکہ واٹر جب گرے گا تو پروجیکٹائل کی فارم میں گرے گا، ورٹیکل ویلوسٹی کیا ہوگی اس کی زیرو، تو وائی ایکسس کے الانگ ایکویشن لگانی پڑے گی زیرو ایچ از اکول ٹو زیرو پلس ہاف انٹو جی انٹو ٹی کا اسکوائر، تو ٹی از اکول ٹو ٹو ایچ اپون جی کا انڈر روٹ، اور ایکس ایکسس کے الانگ ایکویشن اگر لگائیں تو ایکس کے الانگ جو ایکویشن لگے گی وہ لیٹ سے رینج آر کوشچن میں گیون ہے، R is equal to V into T. R is equal to V کی جگہ under root of 2 into G into small h. Time کی جگہ under root of 2 into capital H by G. ویسے ہی میرے کو لگتا ہے ڈی آنسر ہے اس کا، آر اسکوائر کی فارم میں تو آنسر ہی ایک ہے، سالو کرنے کی کیا ضرورت ہے، آر کا تو اسکوائر آنا ہی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک پروجیکٹل کا کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے نا، کہ ہورزونٹل میں ویلوسٹی کانسٹنٹ ہے تو S is equal to VT. ٹھیک،
4/3 पाए कैपिटल आर क्यूब, ये निकल गया। एरिया कितना चेंज हुआ, 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर, बड़े आर का मतलब 10 आर, एरिया कितना चेंज हुआ, इतना एरिया चेंज हुआ, ठीक हो गया। यहाँ पर यहाँ से एनर्जी रिलीज्ड आ जाएगी, एनर्जी रिलीज्ड के लिए सरफेस टेंशन वाला फॉर्मूला वही, सरफेस एनर्जी इंटू चेंज इन एरिया इज एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, चेंज इन एरिया और टी सरफेस एनर्जी, और क्योंकि हम जूल्स में काम कर रहे हैं और जो हीट है वो कैलोरीज में होती है, तो इसलिए इसको डिवाइड कर दिया बाय जे, तो आंसर कैलोरीज में आ गया। नेक्स्ट है इससे राइज इन टेम्परेचर हो गया, राइज इन टेम्परेचर निकालना है, इसमें क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर निकालना है, राइज इन टेम्परेचर के लिए इसको इक्वेट कर लो बाय एम सी डेल्टा टी, 900 के फॉर्म में आंसर है वैसे, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो वैसे नन ऑफ दीज आंसर आएगा, ठीक है ना। वैसे अगर करना होता तो डेल्टा टी कैन बी कैलकुलेटेड। Two spherical soap bubbles combined. If V is the consequent change in volume of the contained air and S is the change in total surface area, change, yaad rahe, this is change, change, P is the surface tension, to kaun sa result true hai? एक बबल के अंदर कितना प्रेशर होगा P1, एक्सेस प्रेशर P1 माइनस P इज 40 बाय R1, 40 बाय R2, या 2 है, एंड 40 बाय R3। यहां से यू कैन कैलकुलेट P1, P2 एंड P3, बबल्स कंबाइन हो गए, P3 V3 हो गया। वैल्यूज पुट करेंगे कैसे, P1 की जगह, P1 की जगह P प्लस 40 बाय R1, और V1 की जगह 4 बाय 3 पाई R1 क्यूब, P2 की जगह P प्लस 40 बाई R2, 4 बाई 3 बाई R2 क्यूब, P3 की जगह P प्लस 40 बाई R3, और वॉल्यूम की जगह अब निकाल लो क्या चेंज निकालना है। तो यहां से ये स्टेप क्लियर है सबको, इस स्टेप के बाद आपने कॉमन निकाल लेना है P, P कॉमन निकलेगा तो ये बच जाएगा, 40 बाई 3 कॉमन निकालोगे तो ये बच जाएगा, this is change in surface area S, this is change in volume V, ठीक है। यहां पर मेन चीज यही है कि जब बबल कंबाइन होंगे तो आपने बॉइल्स लो लो, ठीक है।
وہ پرووائڈ کرے گا اسے ایکسلریشن. تو اس میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہٹ کیا ہے گیا یہ ہوا میں ہٹ, یہ ہوا سے گری ہے 9 سینٹی میٹر. پانی کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ کتنا ڈسٹینس ٹریول کیا اس نے, اور بال ہوز ڈینسٹی از, میں بھی کہوں کہ یہ اوپر اس لیے آ رہی ہے, بال کی ڈینسٹی کتنی ہے 0.4, پانی کی ڈینسٹی کتنی ہوتی ہے 1000, 0.4 × 10³ ہے نا, اور واٹر کی ڈینسٹی 1 × 10³, پانی کی ڈینسٹی بڑھی ہے, تو پھر بال نیچے کیسے جائے گی؟ ایک بار نیچے ضرور جائے گی لیکن الٹیمیٹلی وہ رک جائے گی نیچے جاتی جاتی, کیونکہ اپسٹریس زیادہ ہے. آپ کو بتانا ہے کتنا ڈسٹینس چاہیے, ٹھیک ہے نا یہاں تک؟ تو بالکل صحیح کیا پہلا اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ میں اگر یہ واٹر کی سرفیس ہے تو بال کو یہاں سے گھیرا کتنے سینٹی میٹر, 9 سینٹی میٹر, انیشیل ویلوسٹی 0, بال نے جب ہٹ کیا تو آپ نے وی نکال لیا, وی اسکوائر مائنس 0² از 2gh, تو وی از اکول ٹو انڈر روٹ آف 2gh, تو جو کہ سالو کرنے کے لیے آنسر ہے. اتنی ویلوسٹی سے بال پانی میں چلی اور فائنلی آتے 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 اس کی فائنل ویلوسٹی کیا ہو جائے گی, 0 ہو جائے گی. آبویسلی 0 کیوں ہوگی, کیونکہ وہ اپسٹریس زیادہ ہے نا, تو وہ رک جائے گی. آپ کو یہ نکالنا ہے کہ ایچ کی ویلو کتنی ہے. اب جب وہ نیچے آ رہی ہے تو میں نے کیا بتایا کہ نیٹ فورس جو اس کو نیچے لے کے آ رہا ہے وہ کیا ہے, ویٹ آف باڈی, ویٹ آف باڈی جو کہ اس کو نیچے لے کے آ رہا ہے, اور اپوز کون کر رہا ہے, اپتھرسٹ. اپتھرسٹ کا مطلب وی انٹو سگما جی, سگما کا مطلب پانی کی ڈینسٹی, رو کا مطلب باڈی کی ڈینسٹی, نیٹ فورس اپون ماس, ماس کا مطلب ولیوم انٹو ڈینسٹی, باڈی کی ڈینسٹی. جب یہ باڈی نیچے, ایسے بھی کر سکتے ہو بیسیکلی, اگر جیسے میں بھی بتا رہا تھا, اگر آپ باڈی کے فورس میں سے آپ تھرسٹ مائنس کرو گے تو آپ کے پاس کیا ویلیو آئے گی, آپ کے پاس ریٹارڈیشن آئے گی. ریٹارڈیشن اس لیے کیونکہ اب تھرسٹ کی ویلیو زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے, اور اس کی ویلیو کیا ہے, کم ہے. آپ الٹا بھی کر سکتے ہو, لیکن الٹا کرو گے پھر ایکسلریشن پازیٹیو آئے گی, پھر آپ کو نیویریکل کے اندر اس کو نیگیٹو لینا پڑے گا, زیادہ بیٹر ہے. اس میں باڈی کا ویٹ جو بھی ہے وہ میں سے اپتھرسٹ کو مائنس کر دیا, اور اپتھرسٹ گریٹر ہے اس لیے آنسر آٹومیٹکلی نیگیٹو. باڈی کی ڈینسٹی گیون ہے, پانی کی ڈینسٹی پتا ہے, وی انٹو رو پتا ہے, ریٹارڈیشن آ گئی. ریٹارڈیشن آ گئی, بس پھر کچھ بھی نہیں کرنا. واٹر کے اندر, پانی کی سرفیس کے اندر فائنل ویلوسٹی 0, انیشیل ویلوسٹی ہم نکال چکے ہیں روٹ 2gh والا, تو وی اسکوائر مائنس یو اسکوائر 2as, اے کی ویلیو پٹ کر دینا یہاں سے, اچھا کانسیپٹ کلیئر ہے. کہ اندر پھر موشن آف, کوئیشن آف موشن لگا دینی ہے. ایکسلریشن مینز ریٹارڈیشن آپ نے نکالنی ہے فرام ویٹ آف دی باڈی اینڈ, ٹھیک ہے نا یہاں تک؟